तो दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आईपीएल 2021 का आगाज हो चुका है और दोस्तों इस साल में काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला देखने को मिला आईपीएल के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कि आज यहाँ पर टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में यहाँ पर दोस्तों आईपीएल 2021 का 27वां महामुकाबला खेला गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला रहा था और इस मुकाबले के अंदर हमें काफी बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले यहाँ पर खिलाड़ियों के। दोस्तों बात करें इस मुकाबले के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतकर कप्तान मुंबई इंडियंस की तरफ से यहाँ पर रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों को बता दूं कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का करने का फैसला लेने के बाद यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने के लिए उतरे थे। हालांकि दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आज बिल्कुल भी नहीं चल पाए हैं और जैसे प्रदर्शन की उनसे उम्मीद की जाती है वैसा प्रदर्शन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। दोस्तों यहां पर चार गेंद ही खेले और चार रन बनाए थे, एक चौका मारा था उन्होंने। और दोस्तों यहां पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या द्वारा वो कैच हो गए थे और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया था यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहां पर एंट्री हुई मोइन अली की, शुरुआत एक बहुत ही शानदार पार। दोस्तों आपको बता दूं कि फाफ डुप्लेसिस और मोइन अली दोनों ने ही काफी शानदार यहां पर अर्धशतक जड़ा। और दोस्तों आज यहां पर मोइन अली की बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी ही कम पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि 36 गेंदों के अंदर उन्होंने यहां पर 58 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं अपनी पारी के अंदर उन्होंने यहां पर 5 बेहतरीन चौके और इसी के साथ 5 बेहतरीन छक्के लगाए हैं। दोस्तों 161.11 के स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर वो खेल रहे थे और दोस्तों लग रहा था कि आज यहां पर वो अकेले यहां पर पूरी सेंचुरी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर वो फंसे हुए थे और दोस्तों यहां पर क्विंटन डिकोक द्वारा वो कैच हुए। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही बड़ा झटका कह सकते हैं यहां पर टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा है। और दोस्तों इनके बाद आए यहां पर सुरेश रैना और दोस्तों यहां पर फाफ डुप्लेसिस और सुरेश रैना ने यहां पर दोस्तों मैच को संभालने की पूरी कोशिश की। दोस्तों काफी रोमांचक ये मुकाबला रहा था और दोस्तों जब यहां पर मोइन अली खेल रहे थे दोस्तों लग रहा था कि यहां पर ये मुकाबले का जो अंतिम स्कोर जाएगा वो काफी बड़ा जाने वाला है आज और 200+ यहां पर स्कोर लगने का यहां पर स्कोर कार्ड में। दोस्तों आपको बता दूं कि सुरेश रैना भी काफी सही प्रदर्शन किया आज के मुकाबले में और दोस्तों यहां पर मोइन अली तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर गए हैं और दोस्तों एक मैच विनिंग यहां पर पारी खेल गए हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए इस मुकाबले के अंदर आपको कौन से गेंदबाज की गेंद पर कौन से खिलाड़ी की बल्लेबाज यहां पर सबसे ज्यादा पसंद आई है, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको आज की यहां पर टीम आईपीएल जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले बता दी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।